नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाला हूँ नताजा सचिवपति से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो व जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अन्यथा आप कई खबरें मिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली खबर शिक्षा मित्रों से संबंधित है, तो चलिए जान लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कटाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जवाब लगाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों से कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या मांगी है। कार्यवाहक सचिव विजय शंकर मिश्र ने शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 12 जून तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने विशेष अपील दायर कर दी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग व दुआन ने शुक्रवार को एकल न्यायाधीश के 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए 480 पेज की विशेष अपील हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की। इस अपील पर सोमवार को 2 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। आपको बता दें कि एकल न्यायाधीश ने भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी। विशेष अपील में कहा गया है कि एक जज की पीठ ने सिर्फ 5 सवालों में संदिग्ध या विवादास्पद बताते हुए चर्चा की है, इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ UGC के विशेषज्ञों की समिति के पास भेजकर रिपोर्ट मांगी है, जबकि ये किसी याचिका में विषय वस्तु नहीं थे। अगली महत्वपूर्ण खबर शिक्षा मित्रों को मिलने वाले वेटेज अथवा भारांक से संबंधित है। आपको बता दें कि मामला कुल 120 शिक्षा मित्रों का है, जिन्होंने विशेष प्रक्रिया के तहत दूरस्थ BTC ना करते हुए अपने स्तर से BTC या विशिष्ट BTC की परीक्षा पास की थी। इन शिक्षा मित्रों को 69,000 शिक्षक भर्ती में भारांक का फायदा नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शिक्षा मित्रों को इस भर्ती में प्रतिवर्ष 2.5 अंक अधिकतम 25 अंकों का वेटेज दिया जा रहा है। दरअसल मेरिट NIC के सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी हुई सॉफ्टवेयर में मेरिट ऑटोमेटिकली तय होती है, जिसमें दूरस्थ BTC भरने वाले शिक्षा मित्रों को सॉफ्टवेयर ने सर्च किया और उन्हें भारांक का लाभ दिया। अगली महत्वपूर्ण खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के चलते कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के कारण शिक्षक भर्ती में मुश्किलें सामने आने की प्रबल संभावना है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1.5 वर्ष तक मामला कोर्ट में होने के चलते रुकी हुई थी। अब कोर्ट की रोक हटने के साथ जैसे ही परिणाम जारी किया गया, शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे भर्तियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारों का कहना है कि यदि सरकार ने शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाला तो भविष्य में इस भर्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है और 69,000 शिक्षक भर्ती में मुश्किलें आ सकती है। अगली बड़ी खबर परीक्षा घोटाला व धोखाधड़ी से संबंधित है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को एक और व्यक्ति को पकड़ा। ललित त्रिपाठी नाम का यह व्यक्ति गिरोह का सक्रिय सदस्य और सरगना KL पटेल का मददगार बताया जा रहा है। उसने खुद को अधिवक्ता भी बताया है। एक दिन पहले हिरासत में लिए गए सरगना की निशानदेही पर पुलिस ने शुक्रवार को करीब 17 लाख रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें कि सोराव पुलिस ने एक दिन पहले परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ व 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आप सभी को वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए व अपने मित्रों को शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी बात लिखें। धन्यवाद।